आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण की बात करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था संबंधित है, साढ़े सात बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिया था उसके पश्चात देश में एक राजनीतिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो राष्ट्रवादी युवा था उनका मोह हो गया था, क्योंकि राष्ट्रवादी युवा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति से संतुष्ट थे। साथ ही साथ वो असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण भी असंतुष्ट थे। ये क्रांतिकारी युवक मुख्य रूप से रूस, चीन, तुर्की, मिस्र तथा आयरलैंड में होने वाली थी जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, अर्थात जो क्रांतियाँ थी उससे अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ विदेश में जो हुई थी वो हिंसात्मक साधनों के द्वारा संपन्न हुई थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया। और जो युवा राष्ट्रवादी थे वो ब्रिटिश शासन को हिंसा के माध्यम से उखाड़ फेंकने हेतु प्रयासरत थे। युगांतर तथा अनुशीलन समिति जैसी पुरानी क्रांतिकारी समितियाँ थी वो उनका आगमन दोबारा से ध्रुआ और बंगाल, पंजाब, दिल्ली तथा संयुक्त प्रांत में इन नवगठित क्रांतिकारी संगठनों के केंद्र के रूप में उभरे। इसके बाद अगर उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो उसे इस प्रकार समझा जाए, उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी संगठन थे उनमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संगठन के घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे या इसके लक्ष्य निम्नलिखित थे। संगठित और सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को परस्पर संयुक्त करना, अर्थात भारत के जो राज्य थे उनको मिलाकर एक संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के तर्ज पर संयुक्त राज्य भारत, राजनैतिक डकैतियों एवं राजनीतिक अपराधों के द्वारा आंदोलन के लिए शस्त्र एवं धन एकत्रित करना, और जो विभिन्न भाग है उनमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शाखाओं को स्थापित करना। राजनीतिक डकैतियों का उद्देश्य मात्र सरकार की प्राप्ति होगा, यह विचार राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लखनऊ सहारनपुर संभाग पर काकोरी नामक स्थान पर चलती ट्रेन में डकैती योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लगभग 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया तथा रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। अंग्रेजी सरकार ने कार्रवाई करते हुए 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 4 क्रांतिकारियों अस्पार्ट उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र नाथ धाड़ी को मृत्युदंड दिया गया। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण उल्ला थे। अपनी फांसी से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने पीने के लिए जो दूध दिया गया था उसे अस्वीकार कर दिया था और उन्होंने कहा था मैं केवल अपनी माँ का दूध ही दूंगा। यद्यपि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि चारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। इस घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इस संगठन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। काकोरी कांड के एकमात्र फरार क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 9-10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अपने स्वरूप में संगठन लोकतांत्रिक था जिसमें बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था, क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में निकाले गए जुलूस के दौरान किए गए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और यह लाठीचार्ज करवाने वाला पुलिस अधिकारी सैंडर्स ही था। उसके बाद 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी।
इस हत्याकांड के पश्चात क्रांतिकारी उपलब्ध हो गए थे, लेकिन पुलिस निरंतर निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी। अतः सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस एसोसिएशन ने अपने दो सदस्यों अगस्त सिंह और पटवेसर दत्त को गिरफ्तारी देने के लिए भेजने का निर्णय किया और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा पटवेसर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम तथा कुछ पर्चे भेजे। उस समय केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक अर्थात पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विधेयक ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और पटवेसर दत्त की गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। इस घटना के पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की गई तथा उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। जेल में क्रांतिकारियों की भी गिरफ्तारी की गई। जेल में क्रांतिकारियों ने राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने की भूख हड़ताल। 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद को सरकार द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने भूमिगत होकर अपने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसमें वायसराय की हत्या का षड्यंत्र भी शामिल था। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए आजाद वीर गति को प्राप्त हुए। इन सभी घटनाओं के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद अगर क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण के अंतर्गत बात करें तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बात आती है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में बंगाल एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। पुरानी क्रांतिकारी समितियां सक्रिय हो गई तथा अनेक नई समितियों का भी गठन किया गया। उदाहरण के लिए बंगाल स्वयं सेवक दल का गठन हेमचंद घोष तथा लाला नाग द्वारा किया गया तथा स्त्री संघ की स्थापना अनिल राय द्वारा की गई। इन नवीन संगठनों में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का विशेष स्थान था, जिसकी नींव सूरसेन द्वारा रखी गई थी। सूरसेन पेशे से एक शिक्षक थे तथा असहयोग आंदोलन में भी भाग ले चुके थे। जन सामान्य उन्हें मास्टर दा के नाम से पुकारता था। सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के बल पर 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस संगठन के सदस्यों द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को लूट लिया गया। इसके पश्चात भारत को एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार मिली, जिसके राष्ट्रपति सूरसेन बने। इस घटना के पश्चात बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आ गई। बंगाल के कारागार महानिरीक्षक की 2 क्रांतिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिसंबर 1931 में 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष तथा सुमित चौधरी ने 1 जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी तथा फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास नामक एक युवती ने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीतिका पाडेकर ने एक अन्य युवा महिला क्रांतिकारी प्रीतिका पाडेकर ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर चटगांव के पहाड़ तली रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर दी। इन क्रांतिकारी आंदोलनों की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनमें बहुत सी साहसिक और निडर महिलाओं ने भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार की घटना के पश्चात सरकार द्वारा फैलाए गए आतंक के बावजूद सूरसेन ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। फरवरी 1933 में अपने एक साथी के विश्वासघात के कारण सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मृत्यु से बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का सूर्यास्त हो गया। वे क्रांतिकारी जो समाजवादी दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी आदि की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो ये तो वह क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण।